हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड योर चैप्टर अवर एनवायरनमेंट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये कह रहा है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो पर्यावरण को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको सभी पता है, जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तो इसके अंदर हमने जाना था इकोसिस्टम है क्या। तो इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट दोनों आते हैं, और वो सभी अफेक्ट करते हैं आपके हेल्थ को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है वो सब अफेक्ट करता है। तो हम भी क्या है, एक एनवायरनमेंट का पार्ट है और वो हम उसको अफेक्ट करते हैं। चेंजेज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट सेट्स एंड अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा आंधी चलती है, तो ये सबसे हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होती है, हमारा जो रहन सहन है वो अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो हमारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसके द्वारा एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ अवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो आपने क्लास 9th में जाना है, नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि भी कैसे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर रही हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो इस वाले चैप्टर में आप 10th क्लास में या हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ जो वेस्ट की जो डिस्पोजल है, वेस्ट ट्रीटमेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन एक लेयर होती है, एक 2 to 3 kilometer ब्रॉड लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका मॉलिकुलर फार्मूला O3 होता है। तो देखिए, ओजोन यानी O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, इनसे बनी होती है। वाइल O2 यानी मॉलिकुलर ऑक्सीजन, विच इज़ नॉर्मली रेफर्ड एज ऑक्सीजन, इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर अगर एक और मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो O3 हो जाता है, और ये O3 ही क्या है, आपकी ओजोन है। इसको हम कहते हैं मॉलिकुलर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि सभी लाइफ के लिए, एरोबिक जो लाइफ फॉर्म्स होती है उसके लिए एसेंशियल होता है। एरोबिक क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओजोन की अगर हम बात करें तो पॉइजनस होता है, O3 इज़ डेडली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ एटमोसफियर ओजोन परफॉर्म्स एन असिस्टेंट फंक्शन। तो अगर ये हम हमारे इंट्रोड्यूस कर ले बॉडी के अंदर तो ये पॉइजनस होता है, डेडली पॉइजनस है, लेकिन क्योंकि काफ़ी हाइट पर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं एसेंशियल। आपने पढ़ा होगा कि ओजोन क्या करता है, भाई यूवी रेडिएशंस को रोकता है। देखिए, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो जो सन से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उनको रोकता है ये। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। तो यदि ये रेडिएशंस अर्थ के ऊपर स्ट्राइक कर जाएँ, पहुँच जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे, इसके साथ साथ स्किन की कैंसर तक भी ये कर सकती हैं, आइज़ को ब्लाइंड कर सकती हैं, और इसके साथ साथ स्किन की कैंसर, स्किन एलर्जीज, काफ़ी ये कंडीशन ख़राब कर सकती हैं अगर यूवी रेज हमारे डायरेक्ट स्किन के ऊपर गिरे तो। देखिए, ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन मॉलिकुलर ऑक्सीजन। देखिए क्या होता है, जब सूरज से यूवी रेडिएशन आ रही है और ऊपर मॉलिकुलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम टूट गए। अब क्या होगा, क्योंकि दूसरे ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है O2 की फॉर्म में, इसके साथ साथ ये जो एक जो अलग हुआ है ये इसके साथ साथ जुड़ जाएगा और ये O3 बन जाता है ओजोन। देखिए, द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशंस, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, ये क्या करती हैं, स्प्लिट कर देती हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स, नेसेंट ऑक्सीजन भी हम इसको बोल देते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या करते हैं, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं हाई एनर्जी की होती हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उसको स्प्लिट कर देती हैं फ्री ऑक्सीजन एटम्स के अंदर, और अब ये क्या होते हैं, ये जो फ्री एटम्स हो गए ये कंबाइन कर जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और O3 बना लेते हैं, जिसको हम ओजोन कहते हैं। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। तो 1980 से क्या देखा गया कि भाई जो ओजोन जो है वो, जो ओजोन की अमाउंट है वो एटमोसफियर से गिरने लगी है। अब देखिए,
आपको एक वर्ड आता है ओजोन होल, तो ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि ये कोई ओजोन लेयर और बीच में इसके होल हो चुका है, नहीं। कुछ एरियाज जो है ओजोन का, स्पेशली जो एंटार्क्टिक जो पोलर एरियाज है, एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जो ओजोन की चौड़ाई जो कहीं कहीं 3 किलोमीटर तक भी थी, वो वहाँ पर जाकर उसकी चौड़ाई कम हो गई है। तो मतलब वो उसकी जो ब्रेड्थ है वो कम होगी, विड्थ चौड़ाई कम हो चुकी है जिस, और इसी को हम कहते हैं ओजोन होल, वो पतली हो गई है पहले से। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980 से स्टार्ट हुआ है। और क्या हुआ है कि बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो ऑक्सीजन जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है ये। और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फायर एक्सटिंग्यूशर्स हो गए, इन सब के अंदर ये यूज होते हैं। देखिए 1987 के अंदर क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ UNEP, तो यूनाइटेड नेशन जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर एक एग्रीमेंट किया गया था कि भाई जो CFC की प्रोडक्शन को रोकना है, CFC को उसको फ्रीज करना है, रोकना है, और सभी जो कंपनीज हैं उनको आज ये हिदायतें हैं कि जो भी वो फ्रिज बनाएंगे वो CFC फ्री होना चाहिए। तो ये कब से हुआ है कि 1987 से यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या किया गया, सभी एक एग्रीमेंट किया गया और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को रोका गया। और इसके बाद जो भी फ्रिज की कंपनीज हैं या फायर एक्सटिंग्यूशर की कंपनीज हैं उनको कहा गया कि आपको CFC फ्री जो है वो रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये है आपका ओजोन डिप्लेशन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गार्बेज डिस्पोजल और द मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस।